नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है ऑफिस नोटबुक की एक नया वीडियो पे। इस वीडियो पे हम लोग गूगल स्लाइड पे एनिमेशन डालना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बहुत ही शानदार इंफोग्राफिक स्लाइड। ओके, तो इस प्रकार की जो टेम्पलेट है इसको आप बड़े आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आप अपने हिसाब से टेक्स्ट ऐड कर दे, अपने हिसाब से यहाँ पर डेटास वगैरह डाल ले, कोई इमेज डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हैं, अगर आपको कोई टेबल ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर इसको एडिट कर ले। अब एडिट हो जाने के बाद इस पे हम लोगों को एनिमेशन डालना है ताकि जब आप प्रेजेंटेशन शो करें तो इसका लुक एकदम प्रोफेशनल आए। ओके, हालांकि दोस्तों गूगल स्लाइड पे बहुत ही लिमिटेड एनिमेशन का ऑप्शन होता है, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे इसको एक प्रोफेशनल लुक देने का। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर एनिमेशन डाल सकते हैं। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पर मैंने पहले से दो स्लाइड पे एनिमेशन डाल के रखा है। चलिए मैं आप लोग को प्रीव्यू दिखा देता हूं। तो मैं इस स्लाइड को सिलेक्ट किया, स्लाइड से ऑन करूंगा और यहां पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखिए इस तरीके से आपका स्लाइड शो होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर दूसरा और एक स्टाइल आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार की भी हम लोग बना सकते हैं तो इसमें भी आपका प्रोफेशनल लुक आएगा। ओके, तो किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं चलिए देख लेते हैं। तो पहले मैं स्लाइड वन को सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूंगा और इस डुप्लीकेट स्लाइड के ऊपर ही मैं एडिट करूंगा। ओके, सो इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहां पर मैं एनिमेशन डालूंगा। तो एनिमेशन डालने से पहले यहां पर आप देखिए जो स्टेप वन लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, फिर ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, ये तीसरा, चौथा, इस तरीके से बहुत सारा यहाँ पर आप बॉक्स देख पा रहे हैं। तो इन बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और इनको मैं राइट क्लिक से यहाँ से मैं ग्रुप कर लूंगा। ओके, तो ये ग्रुप हो गया। अब इनको कंट्रोल ऑल्ट जी से भी ग्रुप कर सकते हैं, तो एक एक करके मैं पहले इनको ग्रुप कर लेता हूं। ओके, स्टेप फोर इसको भी मैं ग्रुप कर लेता हूं, स्टेप फाइव इसको भी मैं ग्रुप कर लेता हूं, स्टेप सिक्स इसको भी मैं ग्रुप कर लेता हूं। ओके, तो इन सारे बॉक्स को मैंने ग्रुप कर लिया। अब मैं इस स्लाइड को फिर से और एक बार डुप्लीकेट बना लूंगा। ओके, अब मैं फोर्थ नंबर स्लाइड पे चला जाता हूं। अब इसमें हम लोग एनिमेशन डालेंगे। तो एनिमेशन डालने के लिए पहला मैं टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करूंगा और यहां पर आप देख पा रहे हैं थ्री डॉट दिखा रहा है मोर का ऑप्शन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए एनिमेट का ऑप्शन आपको मिलता है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ओके, सो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर आप राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं, यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट एनिमेशन फेड इन ऑन क्लिक, तो फेड इन रहने दे, आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं फेड इन रहने देता हूं और ऑन क्लिक रहने देता हूं। अब यहां पर देखिए स्लो, मीडियम और फास्ट कर सकते हैं, तो यहां से देखिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा। ओके, 0.7 सेकंड ले रहा हूं। फिर मैं स्टेप टू पे आ गया, इसमें भी मैं एनिमेशन डालूंगा, एड एनिमेशन फेड इन ऑन क्लिक रहने दे और यहां पर भी देखिए मैं इसको फास्ट कर देता हूं 0.7 सेकंड। ओके, फिर स्टेप थ्री, इसमें भी मैं एड एनिमेशन करूंगा और यहां पर देखिए मैं इसको भी मैं फास्ट कर देता हूं 0.7 सेकंड। स्टेप फोर एड एनिमेशन, इस पे भी आप देख पाएंगे फेड इन ऑन क्लिक है और इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं 0.7 सेकंड। फिर स्टेप फाइव एड एनिमेशन, इस पे भी देखिए फेड इन ऑन क्लिक है और इसको मैं फास्ट कर देता हूं 0.7 सेकंड। फिर स्टेप सिक्स एड एनिमेशन फेड इन ऑन क्लिक, इसको भी मैं 0.7 सेकंड कर देता हूं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर एनिमेशन डाल दिए। अब हम लोग इसको प्ले करके देखते हैं। तो प्ले किया और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इस तरीके से देखिए यहां पर एनिमेशन चालू हो जाएगा। ओके, अब मैं और एक स्लाइड पे चला जाता हूं, स्लाइड फाइव। ओके, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं पहले, फिर मैं स्लाइड फाइव पे चला जाता हूं और यहां पर मैं एडिट करूंगा। तो पहले मैं स्टेप वन को सिलेक्ट किया, एनिमेट
और यहां पर देखिए फेड इन सिलेक्टेड है, फेड इन के जगह पे मैं सिलेक्ट करूंगा फ्लाई इन फ्रॉम लेफ्ट और ऑन क्लिक रहने दे, इसको भी मैं फास्ट कर देता हूं 0.7 सेकंड। फिर स्टेप टू को सिलेक्ट किया, एड एनिमेशन, इस पे भी देखिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे फ्लाई फ्रॉम लेफ्ट, फ्लाई इन फ्रॉम लेफ्ट, ऑन क्लिक रहने दे 0.7 सेकंड। फिर स्टेप थ्री, इसमें भी हम लोग करेंगे एड एनिमेशन फ्लाई इन फ्रॉम लेफ्ट, ऑन क्लिक 0.7 सेकंड। स्टेप फोर को सिलेक्ट किया, एड एनिमेशन, और यहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा फ्लाई फ्रॉम राइट, फ्लाई इन फ्रॉम राइट, ऑन क्लिक, इसको भी मैं फास्ट कर देता हूं 0.7 सेकंड। फिर स्टेप फाइव, इसमें भी हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, एड एनिमेशन, और एड एनिमेशन के बाद हम लोग यहां पर फ्लाई इन फ्रॉम राइट, इसका भी मैं स्पीड इंक्रीज कर देता हूं 0.7 सेकंड। फिर स्टेप सिक्स, एड एनिमेशन फ्लाई इन फ्रॉम राइट, ऑन क्लिक, और इसको भी मैं फास्ट कर देता हूं 0.7 सेकंड। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने एनिमेशन डाल लिया। चलिए आप इसको प्ले करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, इस तरीके से आप देख पाएंगे एनिमेशन चालू हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बड़े आसानी से गूगल स्लाइड पे एनिमेशन ऐड करके अपने प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल बना सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।